हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इंजन की सरकार है बिहार, जिसको राजद में आना है दरवाजा खुला है। विधानसभा चुनाव है, हम बिहार की यात्रा पर हैं और यात्रा में हमारी मुलाकात हो रही है तेज प्रताप यादव से, यानी तेजू से। तेजू बाबू, एक बात बताइए कि इस बार चुनाव में क्या है मामला, आपके लिए विलेन कौन है और हीरो कौन है? देखिए, हमारे हीरो तो हमारे पिता ही हैं और हम और तेजस्वी जी लगातार बिहार के हर एक कोने कोने में हम लोगों ने घूमा, दौरा किया और लगातार जन समर्थन, ये सही में बदलाव चाहता है, पूरे तरीके से बदलाव चाहता है और पूरे तरीके से जन समर्थन हम लोग का साथ है। आप देख सकते हैं, जो ग्रामीण हैं, गांव के बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, पीछे भी आप पीछे काफिला देख सकते हैं, सब लोग साथ ही साथ हमारे चल रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि जो लालू जी ने हमको दिया वो नीतीश सरकार ने नहीं दिया। जुबा पर लालू यादव का नाम और अंदाज में उनकी हूबहू नकल, कुछ इसी स्टाइल में लालू यादव के सबसे बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव इन दिनों बिहार के समस्तीपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं, चौक चौराहों पर लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में अपना नया ठौर ठिकाना तलाश रहे हैं। तेज प्रताप की ऐसी ही चुनावी यात्रा में एबीपी न्यूज भी उनके साथ था। कैमरा उनकी भावभंगिमा, समर्थकों की भीड़ कैद कर रहा था और हम उनसे ये समझना चाहते थे कि बिहार के इस चुनाव में उनके लिए नायक कौन है और खलनायक कौन। आपने कहा हीरो तो आपके लालू जी हैं, हम बता रहे हैं विलेन मोदी हैं या नीतीश हैं? विलेन अब बिहार में जो है डबल इंजन की सरकार, वो विलेन है। उधर जनता ने रिपोर्ट कार्ड पूरे तरीके से तैयार कर दिया कि विलेन कौन होगा, हीरो कौन होगा, हम कौन होते हैं बताने वाले, जनता बता रही है ना। सामने दो चेहरे हैं, एक नीतीश कुमार, एक नरेंद्र मोदी, तो विलेन कौन है आपके लिए? देखिए, फिलहाल तो हैंडल होते हैं डबल इंजन की सरकार है बिहार में, चेहरे तो वही हैं, नरेंद्र मोदी हैं। तो मेन विलेन तेज प्रताप के लिए नरेंद्र मोदी हैं, स्टेपनी में हो गए नीतीश कुमार। स्टेपनी में नीतीश कुमार है जो कि डबल इंजन की सरकार है। लालू जी की कमी तो खलेगी ना आपको, तेजू लालू जी की कमी खलेगी आपको? आने दो। लालू यादव का भी अंदाज कुछ इसी तरीके से था, लालू जी का भी अंदाज कुछ इसी तरीके से था, पूरे तरीके से। उनके बिना चुनाव में देखिए खलेगी कि नहीं? नहीं, देखिए कमी खलती है जरूर हर एक किसी को, लेकिन उनका आशीर्वाद और जन समर्थन, लोगों का प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ है पूरे तरीके से। देखिए, गांव उसमें इस सड़क नहीं है, बारिश का पानी है, बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई थी और फिर भी घर वहां है, वहां से दौड़ दौड़ के महिलाएं आके रोड पे सड़क पे खड़ी। तेज प्रताप जब कैमरे पर बोल रहे थे तो उनकी नजर अपने समर्थकों पर थी, वो बीच बीच में ठहर कर अपने समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे और हमसे बातें भी कर रहे थे, लेकिन हम ये समझना चाहते थे कि तेज प्रताप ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट क्यों बदली। एक बात बताइए, विपक्ष ये कह रहा है आप महुआ से हसनपुर आने की क्या वजह है, ये जानना चाहते हैं हम लोग। विपक्ष ये कह रहा है कि महुआ में पूरे तरीके से हमने विकास किया है, मेडिकल कॉलेज का जो हमने वादा किया था वो भी पूरा किया है, जिस तरीके से शिलान्यास उन्होंने किया और जो जो हमने काम किए, सड़क हो गया, नाली हो गया, गली हो गया, हर एक चीज हमने
रोजगार का जो बात, तो फिर वहीं से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं तेज प्रताप? हमने देने का काम, क्योंकि यहाँ का जन समर्थन के लोगों का, यूथ का, नौजवान का लगातार हमारे से संपर्क कर रहे थे कि हमारे यहाँ से लड़िए, हमारे यहाँ से लड़िए। तो लोगों का प्रेम है जो हमको खींच लाता है जनता का। तेज प्रताप ने पिछली दफा 2015 के विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव में जीत हासिल की थी। 28,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें ये जीत मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने महुआ सीट छोड़कर समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट को चुना है। वजह ये है कि महुआ सीट से इस बार उन्हें अपनी ही पत्नी ऐश्वर्या राय से चुनौती मिलने का डर सता रहा है। ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी और उसके बाद दोनों के अलग होने तक की कहानी जगजाहिर है। दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों जब से इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि ऐश्वर्या चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, और वो भी महुआ सीट से, उसके बाद से ही तेज प्रताप की नींद उड़ गई। तेज प्रताप ने महुआ सीट से इसलिए किनारा कर लिया क्योंकि महुआ सीट में जेडीयू की मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं हसनपुर सीट उनके लिए मुफीद साबित हो सकती है क्योंकि यहां पर यादव और मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जो आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक है। अच्छा, ये जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आप महुआ से डर कर भाग गए हसनपुर। हम डर के क्यों भागेंगे? हम तो फील्ड में है, मैदान में। डरे हुए तो नीतीश कुमार थे जो इतना दिन से कमरे में बंद थे। वो हम तो फील्ड में है, जनता के बीच में, कोरोना में भी जनता के बीच में है हम। एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लूं आपसे? अब व्यक्तिगत सवाल कीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐश्वर्या भी यहाँ चुनाव लड़ने आ गई तो डटे रहेंगे तेज प्रताप? कोई आ जाए, जनता का जन समर्थन हमारे साथ है, जीत हमारी निश्चय है। बिहार की सियासत इन दिनों लगातार करवट ले रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। उधर चिराग पासवान की नाराजगी भी बार बार सामने आ रही है। ऐसे में अगर कुछ उलटफेर हुआ तो क्या चिराग के लिए दरवाजे खुले होंगे? इस पर तेज प्रताप ने बिना लाग लपेट अपने दिल की बात कह दी। इस बार तो मुकाबला चाचा नीतीश से है, तो अपने एक जो आपके दोस्त हैं चिराग पासवान, उनको आप दोस्त बना सकते हैं राजनीति में? देखिए, राजनीति में कोई दुश्मन कोई दोस्त क्या, अगर जिसको राजद में आना है। नहीं, वो तो लोक जनशक्ति पार्टी है, वो तो दरवाजा खुला है, वो तो है। गठबंधन की आप बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बता रहे हैं आपको, राजद का दरवाजा खुला रहता है, जिसको गठबंधन करना है गठबंधन कर सकते। चाहेंगे ये नौजवान नेता सब साथ हो? अगर नौजवान क्यों नहीं साथ हो, हम तो चाहते हैं कि सारे नौजवान साथ हो। यूथ कैन चेंज, यूथ जो है वो चेंज करता है हर एक स्थिति को। ये क्षमता होता है, काम करने की क्षमता होता है। आपके महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार उधर तो नीतीश कुमार हैं एनडीए से, इधर से कौन होंगे? तेजस्वी हैं। इसमें कोई संशय की बात तो नहीं? संशय की क्या बात हो सकती है, हमने तो शुरू से तेजस्वी को अर्जुन बनाया और कृष्ण की भूमिका में हम रहे। आप तो अभी शिव की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कृष्ण का भी तिलक है बीच में और शिव का भी, कृष्ण और शिव में क्या भेद है? बिहार की सियासत में इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे की भी खूब चर्चा है। 1987 बैच के आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे ने खाकी पहनकर 33 साल जनता की सेवा की और अब वो खादी पहनकर सियासत में उतरने का संकेत दे रहे हैं। तेज प्रताप ने गुप्तेश्वर पांडे को लेकर क्या कहा वो सुनिए। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में आपने सोचा था कि वो इस तरीके से छोड़ के चुनाव लड़ने के लिए चले जाएंगे, आपको अंदेशा था? गुप्तेश्वर पांडे के बारे में आपको अंदेशा था कि वो ऐसा करेंगे? गुप्तेश्वर पांडे अब आ गए हैं चुनाव में, रिटायर हो गए, सबका अपना अपना लालसा होता है चुनाव में आने का, आ गए। तो ये थे तेज प्रताप यादव, जो हसनपुर, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे इस बार महुआ के बदले हसनपुर से। वहां लगातार वो इस तरीके से रोड शो कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज समस्तीपुर।